हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, कल से थोड़ी धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हुई थी और अभी तो थोड़ी तेज़ आ गई है दिल्ली में। और देखिए मेरे पौधे किस तरह से फ्रंट गार्डन में किस तरह से बारिश का आनंद ले रहे हैं और बिल्कुल फर्स्ट क्लास धुल के फ्रेश फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ आपसे ज़रूरी बातें भी करूँगी, तो बहुत ज़रूरी है आपसे वो बात शेयर करना। और ये जो मेरा पीस लिली के जो दो मेरे को प्लांट गिफ्ट में मिले थे, तो इनको मैंने रिपोर्ट करना है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी इसके साथ में ही मिला था, इसकी रिपोर्टिंग मैं बाद में शेयर करूँगी। इसके अंदर भी दो प्लांट्स हैं, तो मेरे दो अलग अलग गमले तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन फ्रेंड्स के बारे में जो वीडियो तो देखते हैं मगर पूरी वीडियो नहीं देखते, और बल्कि कोई कोई तो ऐसे भी हैं जो करीब एक मिनट या दो मिनट की भी वीडियो को नहीं देखते और झट से कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप चाहे वीडियो देखिए या ना देखिए, लेकिन इस तरह से आप ना कीजिए। मैं भी सबकी पूरी वीडियो देखती हूँ, कुछ लोगों की तो आधा आधा घंटे की वीडियो होती है, उनको मैं फिर भी पूरी देखती हूँ। और बजाय इसके कि आप तीन चार वीडियोस देखें मेरी और तीन चार वीडियो के लिए कमेंट करें, उससे अच्छा आप एक ही वीडियो देखिए और कम से कम उसको तीन चार मिनट तो देखिए। मेरी कोई भी वीडियो आप देखेंगे पाँच छः मिनट मैक्सिमम है, ज़्यादातर मेरी तीन से चार मिनट की वीडियोस होती हैं। सिर्फ एक वीडियो को मैंने 9-10 मिनट का बनाया था, वो भी मेरी एक फ्रेंड है नोएडा में, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप एक साथ अपने गार्डन की वीडियो बनाइए। तो मैंने सारे अपने चार तरफ जहाँ मैंने गार्डन बना रखा है वो चारों की वीडियो मैंने दिखाई थी, क्योंकि वो मेरे सारे प्लांट्स देखना चाहते थे। अदरवाइज़ मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ, चाहे वो रिपोर्टिंग की है, चाहे प्लांट्स खरीदे हैं या किसी प्लांट के बारे में बताना है, तो मैं तीन चार मिनट से फालतू की वीडियो नहीं बनाती हूँ। और इतना तो देखना बनता भी है। हम लोग यूट्यूब पर सभी फ्रेंड्स हैं गार्डनर्स, गार्डनिंग एंजॉय करते हैं, एक दूसरे की वीडियो शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए कि बिना वीडियो को देखे ही कमेंट कर दें। तो आप भले ही मेरी एक वीडियो देखिए, लेकिन एक पे ही कमेंट कीजिए, कमेंट आप छोटा कीजिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग वीडियो नहीं देखते लेकिन कमेंट इतने बड़े बड़े कर देते हैं। अरे, आप लोग कमेंट इतना बड़ा बड़ा करते हैं, उसमें भी तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक दो मिनट की वीडियो देखिए और छोटा कमेंट कीजिए, शॉर्ट में कर दीजिए। तो बस आज मुझे यही शेयर करना था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस लीले की रिपोर्टिंग के लिए मैंने कौन सा पॉट सेलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक इसके लिए पॉट सेलेक्ट किया है, दो प्लांट्स हैं मेरे पास और मुझे लगता है और भी ज़्यादा प्लांट्स बन जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इस लीले की। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ये काफ़ी बड़ा प्लांटर है, इसमें सारे का सारा एज इट इज़ ही रिपोर्ट कर दे रही हूँ, और नेक्स्ट सीज़न में देखूँगी कि इसको अलग अलग कर दूंगी। तो इतने बड़े गमले में, और एक ये वाला गमला मैंने लिया है, एक को इसमें रिपोर्ट कर दूंगी और आपके साथ शेयर मैं आज एक ही करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी मिट्टी मैं कुछ निकाल लेती हूँ और इसमें गड्ढा बना के, इसमें मिट्टी में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा खाद वाद नहीं डाली है, कि इस लीली को ऐसे भी सिर्फ नाइट्रोजन की ज़रूरत है अभी, और बहुत ज़्यादा खाद की इसमें ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर हम किसी प्लांट को रिपॉट करते हैं तो पहले ही उसमें अगर ढेर सारी खाद भर देते हैं ना, तो फिर प्लांट्स उतना अच्छे से ग्रोथ नहीं करता। धीरे धीरे करके उसमें कुछ कुछ टाइम के बाद अगर खाद डालते हैं तो अच्छे से ग्रोथ करता है। कई बार बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने इसमें जो ये मैंने एक्चुअली एक्जोरा के लिए तैयार किया था, और एक्जोरा बास्केट के नीचे वो प्लास्टिक की जो छोटी सी बास्केट लगी आती है वो लगी हुई थी, तो उन दिनों गर्मी थी तो उसको रिपोर्ट करने में वो मेरा प्लांट ख़राब हो गया। लाइट पिंक कलर का एक दौरा था। तो ये मिट्टी एज इट इज़ तैयार है, वो चला ही नहीं है इसमें, तो इसी में काफ़ी टाइम हो गया खाद डले हुए, तो इसमें मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ और इसे निकाल लेती हूँ मैं गमले में से। और देखिए इसका रूट सिस्टम कितना प्यारा बना हुआ है, और इसको छेड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी, एज़ इट इज़ इसको मैं रिपोर्ट कर दे रही हूँ। और इसको नेक्स्ट सीज़न में मैं सेपरेट करूंगी, कुछ गिफ्ट करूंगी, कुछ नए प्लांटर्स में लगा दूंगी, क्योंकि ये पौधा होता ही बहुत सुंदर है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो इस तरह से
इसको मैं फिल कर लेती हूँ। और बारिश आ रही है, बारिश में तो मैं अभी इसे नहीं रखूँगी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी अभी भी गीली है, तो इस तरह से फिल करके इसको थोड़ा सा पानी दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये हो गई इसकी रिपोर्टिंग। और फ्रेंड्स, जो ये दूसरा वाला मेरा प्लांट्स है, दूसरे वाले में भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, तो उनको मैं रिपोर्ट कर लूँगी और फिर किसी दिन आपको दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये एक मेरा नए प्लांटर में मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप मेरा जो भी वीडियो देखें तो उसे कम से कम इतना तो देखें ना कि उसके यूट्यूब भी एक्सेप्ट कर लें। आप लोग बिना अगर उसके मेरे बिना वॉच किए ही उसमें कमेंट करेंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं, इससे अच्छा आप ना देखें। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं किसी भी वीडियो में अपने ये नहीं कहती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, मैंने ये कहना छोड़ दिया था। मुझे विश्वास था कि जिन फ्रेंड्स की वीडियोस मैं देख रही हूँ वो लोग भी मेरी तरह ईमानदारी से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, मेरी इस रिक्वेस्ट को भी मानेंगे। तो तब तक के लिए बाय।